नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। शामली में आरटीओ विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही ऑडियो में दलाल द्वारा भारी वाहनों की एंट्री कितने पैसों में की जाती है उसकी पूरी कहानी बताई गई, जिसमें गाड़ी की एंट्री जमा होने के बाद कोई भी अधिकारी गाड़ी को नहीं रोक सकेगा। दलाल की ऑडियो से ये तो लगता है कि शामली का आरटीओ विभाग भी इस मामले में पूरी तरह संलिप्त है। फिलहाल शामली आरटीओ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए यासीन नाम के दलाल पर भ्रष्टाचार का ठीकड़ा फोड़ा है। बता दें कि शामली जनपद में आरटीओ विभाग के नाम से भारी वाहनों की एंट्री पर दलाली करने का एक मामला देखा गया। वायरल ऑडियो में एक ट्रक ड्राइवर यासीन नाम के दलाल से गाड़ी की एंट्री की बात कर रहा है, जिसमें यासीन उर्फ काला नाम का ये दलाल 12 टायर और 10 टायर वाले वाहन की शामली जनपद में एंट्री 1500 रुपये और 6 टायर वाले वाहन की एंट्री 1200 रुपये प्रति गाड़ी बता रहा है। तो वहीं जब ट्रक ड्राइवर ने दलाल से पूछा कि अगर रास्ते में आरटीओ मिल जाए तो किसका नाम लेना है, तो दलाल ने साफ तौर पर कहा कि हमारा नाम लेना है। तो वहीं दलाल के आत्मविश्वास भरे इस जवाब से तो यही लगता है कि शामली आरटीओ की मिली भगत से ही यासीन नाम का ये दलाल शामली में भारी वाहनों की एंट्री से अवैध उगाही कर रहा है। वहीं दलाल द्वारा ट्रक ड्राइवर को विश्वास दिलाने के लिए शामली में अवैध रूप से चावल का व्यापार कर रहे प्रदीप नाम के एक व्यापारी का भी उदाहरण दिया गया। तो वहीं दलाल द्वारा शामली जनपद से अलग मुजफ्फरनगर हापुड़ दलाल द्वारा शामली जनपद से अलग मुजफ्फरनगर हापुड़ और बुलंदशहर की एंट्री 1700 रुपये प्रति गाड़ी बताई गई। वायरल ऑडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा। देखिए, ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें आपका नाम लेकर एंट्री की जा रही है, क्या पूरा मामला है सर? हमारा नाम तो कोई नहीं ले रहा है, लेकिन यह है कि उसमें यह कह रहा है कि ये मतलब हम लोग अवैध काम कर रहे हैं। तो जो ये मीडिया वाला है कोई यासीन नाम का, वो अवैध रूप से काम कर रहा है, इस पर नियमानुसार जांच करके कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक क्या कार्रवाई, कोई लेटर जारी किया? हाँ, पुलिस को हमने लेटर जारी कर दिया गया। यूपी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।